जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संजीव एक और नई श्रृंखला में साथियों आपके समक्ष आया हूँ। साथियों, हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है नीति निर्देशक तत्व प्लस मौलिक कर्तव्य। साथियों, इसमें मौलिक कर्तव्य और हम आपको पढ़ाएंगे एक ही साथ साथियों, क्योंकि कह सकते ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, दोनों को मिला के शायद 30 के समथिंग क्वेश्चन बनेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। और इसके पहले हमने आपको मौलिक अधिकार की क्लास दी हुई है, भारत के संविधान के विकास की क्लास दे दी है। तो हम ये कहते हैं कि आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए इस क्लास को आप एक रिविज़न के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कह सकते इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे जितना मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ये क्लास आपके कोई भी एग्जाम हो उसके लिए रामबाण सत्र होगी, कोई वनडे एग्जाम उसके लिए देख सकते हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि जिन हमारे विद्यार्थियों के रीजनिंग में जैसे कुछ पोर्शन होता है जो कमज़ोर होता है, उसको बहुत ही सरल तरीके में, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से संदीप सर के द्वारा इसमें ये उन टॉपिक को डिस्कस किया। इसमें जैसे जनित आज का पोर्शन भी है साथियों, कथन, तर्क, निष्कर्ष, कार्यवाहियाँ, ये सब है। जैसे आंतरिक या पूरी स्टैटिक जीके की या पूरी यूपी पुलिस की जो जीएस है, टॉपिक वाइज यहाँ पर कराई गई, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और कह सकते हैं पूरी जीए के जीएस हम लोगों ने बनाई हुई, इसको पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट। तथा यूपीएसआई के साथी प्रीवियस सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं पूरे आल शिफ्ट के। तथा हिंदी बहुत ही सामान्य तरीके, बहुत ही अच्छे सरल भाषा में संदीप सर के द्वारा पूरा पढ़ाया गया साथी, इसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और साथियों, जो स्टैटिक जीके है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मेहनत की साथियों, इसमें एक एक टॉपिक बहुत अच्छा चुन चुन के इसमें रखा हुआ है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं जिनमें ये टॉपिक दिए गए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए ये कह सकते हैं बहुत ही कारगर रहेगी। और कह सकते हैं या आप इसके लिए हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, उस पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो भी हमारे जैसे ये सब जैसे जूनियर स्टैंड का साथियों सफलता 2.0 बैच हमारे ऐप पर चल रहा है साथियों, और उसको यदि आप डाउनलोड करने हो तो उसके बाद वहाँ पर आपको 5512 पदों पर जो जूनियर स्टैंड की वैकेंसी आई, तो उसके लिए हमारी सिलेक्टेड टीम के द्वारा बढ़ाया गया है इस कोर्स को, डेवलप किया है, और खुद दो टीचर जूनियर स्टैंड सेलेक्टेड है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से जीरो से एक एक टाइपिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे टाइपिंग करनी है, कहाँ क्या होता है, कैसा फॉन्ट, वो सब एक चीज़ बताई जाएगी साथियों जैसा जब समय आएगा। अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, उसके लिए तैयारी चल रही है बहुत अच्छे से। यूपी स्पेशल की जो ई बुक है साथियों, इसको आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और इससे बाहर कह सकते हैं यूपी में का कोई इस क्वेश्चन नहीं आता है। तो सही, ठीक है साथियों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत साथियों जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है, तो ऐसा हो जाएगा अनुच्छेद 43A। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो इसको हम देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, इसके बारे में बताता है। राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। संविधान के भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न अनुच्छेदों को जोड़ा गया था, तो वो कौन कौन से, तो अनुच्छेद 39 चा, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 39 का, 48 का, इनको 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है जैसे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद कह सकते 36 और 39A। तो आपको पता है कि ग्राम पंचायतों के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में है। ये किसका कह सकते हैं विचार है, ये हमारे कह सकते हैं गांधी जी का विचार है। किसका विचार है, ये गांधी जी का विचार है, महात्मा गांधी ने का विचार था पंचायती राज।
तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, याद रखना है। और अनुच्छेद जो कह सकते हैं 36 से 51 तक नीति निदेशक सिद्धांतों का है, प्रावधान किया गया है। और जो नीति निदेशक सिद्धांत है साथियों, ये आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से इन्हें ग्रहण किया गया है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो 12, 33 या 47 या 18 में। तो कह सकते हैं जो अनुच्छेद 47 है साथियों, वो जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और पोषण के स्तर जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, ये अनुच्छेद 47 में इसकी चर्चा की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण स्तर, याद रखना है। अगला है, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा या संसद में कह सकते हैं उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो ये दोनों सही हो जाएंगे साथियों। तो निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे किसके द्वारा आवश्यक पारित किया जाना आवश्यक है? संसद के दोनों सदनों द्वारा और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान द्वारा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और कह सकते हैं इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। तो कह सकते बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। तो साथियों ये दोनों सही हो जाएंगे, नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत दोनों बातें बिल्कुल सही बैठती हैं। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो ए में ए और बी दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कहा गया है कि नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग 4, तो किस भाग में? 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से। नीति राज्य के नीति तत्व सकारात्मक प्रवृत्ति कैसे हैं? सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक कल्याणकारी या लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला है, भारत के संविधान की राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है, राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। तो ऑप्शन एक है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, बिल्कुल सही, 39 काम है। या कैसे, श्रमिकों पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले आह्वान में प्रवेश कर सकें। तो ये पूछा गया है कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो साथियों इसके भी जो है केवल कहते हैं केवल भी या ए भी दोनों या एक एक भी नहीं या केवल ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो देखते हैं, जैसे देखो 39 काम है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार है, जबकि 39 डा में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो, वो 39 डा में है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा वक्तव्य संविधान के नीति से जो सिद्धांत तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया निम्नोन्मुखी बनाएगा जिससे, ऑप्शन है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सद सकें। अगला पॉइंट है दिया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकीर्ण दर ना हो। तो साथियों ए और बी दोनों सही हैं, ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट दिए गए हैं।
राज्य के नीति से सिद्धांतों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद में आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, निस्वतंत्र विधायिका और कार्यपाल के अनुदेश हैं, अर्थात सरकार केंद्र राज्य एवं स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य अपनी नीति को इस प्रकार बनाएगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सद सकें तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चल सके जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये कहता है कि निम्न में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। ये पूछा किसका मूल संविधान में जब नीति से उसमें नहीं था, निम्न में से पूछा, तो जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, या कह सकते हैं कि पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य, या पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, तो कह सकते हैं यही सही हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया था कि पर्यावरण की रक्षा करना और कह सकते हैं बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य, जबकि बाकी ये सब इसमें मूल संविधान में प्रावधान थे इसके, क्योंकि कह सकते हैं जो अनुच्छेद कह सकते हैं यहाँ पे भाग 4 में 36 से 51 तक नीति सिद्धांत हैं। ठीक है, ये तो पता ही है। हाँ, चूंकि प्रश्न में मूल संविधान के प्रावधानों की बात की जा रही है इसलिए पर्यावरण की रक्षा करने का उल्लेख नहीं था, इसे 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था, तो इनमें से कौन सा नहीं कहा, शिक्षा का अधिकार या ग्राम पंचायतों का जो संगठन है, ये पूछा गया है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर हमारा कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं या ए, यहाँ पर ये है, तो शिक्षा का अधिकार जो ये नीति सिद्धांतों में नहीं था, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 आपको हमने बताया भी है, इसका प्रावधान इसमें था। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं, तो क्रम से लगाना है, संविधान जिस प्रकार है राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को कह सकते हैं सुरक्षित करना, सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना रखना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तो साथियों कह सकते हैं कि हमें लगता है ये तीनों क्रम सही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का जो सामाजिक क्रम को जो सुरक्षित करना है ना, तो ये तो अनुच्छेद कह सकते हैं 38 में दिया गया है, अनुच्छेद 38 में इसका प्रावधान है, जबकि समान न्याय और कानूनी सहायता तो 39 का है, 39 का जो है इसमें समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, और अनुच्छेद ग्राम पंचायत तो 40 में हो जाएंगे, तो PQR ठीक है, तो किस में है PQR, तो यहाँ तो नहीं दे रहा है किसी में, देखते हैं, हाँ PQR ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जैसे दिया भी है, ठीक है कि हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति जैसे सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है, तो अनुच्छेद जो 49 है साथियों वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुओं का संरक्षण के बारे में इनका प्रावधान किया गया है। अगला है कि राज्य की नीति इनके निदेशक सिद्धांतों में किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया, अच्छा ये पूछा गया कौन सा सही है, तो देख लेते हैं कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य, बिल्कुल सही है 47 अनुच्छेद में, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43 ए है क्या, तो देख लेते हैं, हाँ कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है श्रमिकों की, जो श्रमिक हैं उनकी सहायता के बारे में बताया गया है, ठीक है 43 ए में हो जाएगा, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अनुच्छेद 45 बिल्कुल सही, तो साथियों इसका भी सही हो जाएगा, PQR तीनों सही है साथियों, क्रम से बिल्कुल सही से दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित नहीं था, ये पूछा गया कि उल्लिखित नहीं था, तो देख लेते कौन सा हो जाएगा, जैसे काम पाने का अधिकार है ना, और कह सकते हैं कि दूसरा है कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान, तो कह सकते हैं
कि निम्न में कौन सा उल्लिखित नहीं था, तो साथियों काम पाने का अधिकार ये भी शामिल नहीं था और कार्यस्थल पर उचित मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान ये भी शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि ऑप्शन दोनों, अच्छा ये पूछा शामिल नहीं, उल्लिखित नहीं था, तो ये तो उल्लिखित थे साथियों, है ना। तो कह सकते हैं अब ये देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों ही नहीं, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही, क्योंकि उपयुक्त दोनों कथन अनुच्छेद 41 और 42 के अंतर्गत निषेधात्मक संविधान निर्माण के समय सम्मिलित थे, लेकिन ये पूछा गया है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए उसी में उलझा दिया है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही नहीं ये बताया है। नेक्स्ट है, जैसे देख लेते हैं 39 का में क्या है, तो 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है, 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, 48 का है ना पर्यावरण वन और तथा वन जीवों की रक्षा, ये 44वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं, जबकि 48 ये जो हाँ ये 42 के तहत हुए थे ये तीन, जबकि 44 के तहत ये शामिल किया गया है अनुच्छेद 32(2) राज्य आय की असमानता को कम करेगा तथा प्रतिष्ठा अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के नीति से सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, ये पूछा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताया है, या कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया है, या जवाहरलाल नेहरू ने बताया, या सरदार पटेल ने बताया, या राजेंद्र प्रसाद ने, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है, हाँ अल्लादी जो कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने ये कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता, जबकि KT साह ने कहा था जो नीति तत्व है एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये KT साह का कथन था। अगला, भारत में जो नीति से सिद्धांत हैं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो ऑप्शन जैसे दिए हैं यहाँ पे कि ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं, या इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है कि जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना, तो साथियों ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, तो अनुच्छेद 48 का याद रखना है, कौन सा ये 44वां संशोधन से जोड़ा गया था, नहीं साथियों हाँ इसको हाँ 48 का जो कहते हैं 42 में से आया था, संविधान का अनुच्छेद ए में यह कहता है कि देश के पर्यावरण संरक्षण या वन जीवों की रक्षा, 24 बालकों का नियोजन प्रतिशोध हो जाएगा, 36 ऑप्शन में दिए थे, राज्य का वही अर्थ जो मूल अधिकारों के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला देखते हैं कि निम्न में से राज्य के किस नीति से सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो, तो कह सकते हैं यहाँ पर दिया है ए और बी, राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके, राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा। अगला है, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की जो आय है ना, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सकें और उनकी स्थितियों सुविधाओं और अवसरों के बीच की असमानताओं को दूर कर सकें, ना सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए। साथियों कह सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन जो होते हैं वो सब दोनों सही होते हैं, ऐसे याद रखना, बड़े जो होते हैं ठीक है, तो इसका तो दोनों हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के देख लेते हैं नीति से सिद्धांतों के बारे में कौन सा गलत है ये बताया गया, तो गलत के बारे में देखते हैं, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, या यहाँ पर दिया है कि तो कह सकते हैं ये अदालत द्वारा लागू तो होते नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से दिए गए बिल्कुल सही है, उनसे प्रेरित हैं, तो ये सही हो जाएगा, जबकि कौन सा गलत हो, तो पी वाला गलत है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी जो है ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, जबकि आयरलैंड से लिए गए वो हमारा सही है, भाग 4 36-51 आयरलैंड ठीक। अगला, इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के दिशा सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन दिया है कि स्मारकों की सुरक्षा ठीक है, पर्यावरण, अन्य देशों के साथ संबंध,
आर्थिक और समाजवादी, ठीक है। तो अन्य देशों के जो संबंध जो है ये इसमें नहीं है साथियों, क्योंकि मैं बताऊं कि जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 39 में बताया गया है कि इसमें नागरिक को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण है, जबकि अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संबंध और वन एवं वनजीवों की रक्षा, और 51 में अन्य देशों के साथ संबंध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना है, लेकिन अन्य देशों का संबंध नहीं है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, राज्य की नीति देशक सिद्धांतों में कौन सा से संविधान अनुच्छेदों से सही ढंग से मेल खाता है, तो कौन सा सही ढंग से मेल खाता है ये पूछा गया है इसमें। तो देखते हैं कि कौन सा सही ढंग से मेल खा रहा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो कह सकते हैं क्या ये सही मेल खा रहा है, ये तो मेल सही नहीं खा रहा है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रचार बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हो जाएगा, ये भी गलत। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49, तो ये केवल आर सही है, तो केवल आर ऑप्शन ए में दी गई है, केवल आर सही है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह क्या कर सकता है। ऑप्शन में देखते हैं कि ये लिखा है कि मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों का संवर्धन करे, या गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। तो ये सही है, अनुच्छेद 48 ये कहता है, भारत सरकार को अधिदेश देता है कि गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। तो कह सकते हैं कि जो और भी हैं, 47 मादक द्रव्यों का सेवन पर रोक लगानी चाहिए, तभी पोषाहार स्तर बढ़ेगा, और 43 ए उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों का या कर्मकारों का भाग लेना, यह 43 का ए में है। अगला है, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन है कि ज्ञानी जैल सिंह, या कर्ण सिंह, ठीक है, या बी के कृष्ण मेनन, या सरदार सिंह स्वर्ण सिंह। तो ऑप्शन है कि 1976 के राष्ट्रीय आपातकाल दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने, कह सकते हैं कि जो सौंपी गई थी ये सरदार स्वर्ण सिंह को सौंपी, किसे, सरदार स्वर्ण सिंह, इसका आंसर हो। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। 76 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। इस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 76 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, अनुच्छेद भाग 4 का अनुच्छेद 51 का कहता है शामिल किया गया है, रूस के संविधान या पूर्व सोवियत संघ से मौलिक तब लिए गए हैं। अगला है, भारत में राज्य के नीति जैसे सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो देख लेते हैं कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्यों को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं या ये न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, है ना। तो केवल ए जो है साथियों कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश, लेकिन न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उल्लेख किए गए अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। तो कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, वोट करने का कर्तव्य, करों का भुगतान करने का कर्तव्य, या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, ये नहीं। तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का अनुच्छेद 49 में बताया भी गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य, तो हाँ सही है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का, तो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, जिसमें 11 कर्तव्यों का वर्णन है, जिसके तहत उल्लेख किया गया है कि हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह मिश्रित भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और संरक्षित करने का प्रयास करे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित नीति सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, राज्य को प्रयास करना होगा। ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि या संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रोत्साहन देने का, परमाणु निरस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का। तो कह सकते हैं इसका जो हो जाएगा जो ए, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा
संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की प्रोत्साहन देना, लेकिन ये सही नहीं है। तो ए और बी सही हो जाएगा साथियों। देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा, कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आभार का भाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से अध्याय है ना, तो कह सकते हैं कि डॉट डॉट में निहित हैं। तो कह सकते हैं जो नीति सिद्धांत हैं साथियों, ये संविधान का अध्याय तो 4 हो गया साथियों, ठीक है। और तो 36 से 51 में नीति से सिद्धांतों का प्रावधान है, याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है? तो राज्य की नीति से सिद्धांतों का वर्णन है। ये यूपी कॉन्स्टेबल में साथियों आई हुई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35, जो अमेरिका से, ये संविधान का फंडामेंटल बोलते हैं, ये संविधान का कह सकते हैं मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। भाग 4 जो है नीति से सिद्धांत है, जो आयरलैंड से लिए गए, अनुच्छेद 36 से 51 में प्रावधान है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का आयरलैंड से, ये रूस या पूर्व सोवियत संघ के लिए गए हैं, कौन से? मौलिक कर्तव्य। जबकि भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151 का प्रावधान है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो साथियों, अब हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि जो कैसे 42वां संशोधन 1976 में हुआ था तब इसमें 10 जोड़े गए थे। तो पूछा गया दिए गए हैं का मतलब, तो अब 11 हैं, क्योंकि 11वें नंबर का कह सकते हैं जो 86वां संशोधन था 2002 में, उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसमें यह था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे, उनके माता पिता का कर्तव्य है कि स्वयं पर आधारित या स्वयं पर आश्रित बच्चों को निःशुल्क या स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भी? 11 है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 76 द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया, 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो रूस या सोवियत संघ से लिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, ठीक है। तो वो 11 देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे एवं उनका पालन करे। अगला है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अचुंड बनाए रखे। देश की रक्षा करे एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे। भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और संवर्धन करें और जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जैसे कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने व हिंसा से दूर रखें, तथा कह सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। प्रत्येक माता पिता एवं उसके अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की अवस्था वाले कहते हैं बालकों की शिक्षा का प्रबंधन करें। जैसे यदि देखो 86वां संशोधन 2000 जोड़ा गया 11वां। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य साथियों पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए गए, जो भी ऑप्शन में उसको लगा देना है, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। अगला, तो यहाँ पर जैसे दिया है ये सब कि संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत समाजवादी गणतंत्र से संविधान से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संशोधन 76 भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 जोड़ा गया, इसमें 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त है। तो कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से संबंधित है। किससे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से संबंधित है। तो साथियों, ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत।